Hello everyone, in this video we will do security aspect MCQ. So let us start with the first MCQ. Which of the following is a common method used to protect data during transmission over a network? In me se kaun sa method use kiya jata hai data transmission mein in a network, right? To yahan pe aapka correct option hai encryption. Encryption ek process hota hai jisme data ko original data ko coded form mein convert kar diya jata hai while data travels from one device to another in a network, okay? In order to protect the data, agar aapka data steal ho jata hai to wo coded form mein hota है, राइट, वो डिकोड नहीं हो पाएगा, राइट। तो यहां पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है एनक्रिप्शन। Now, which of the following is the type of the independent malicious program that never required any host program? ऐसा कौन सा independent malicious program होता है जिसको host program नहीं चाहिए, जो independently work करता है, right? तो यहाँ पे आपका option है WOM. WOM क्या है? एक ऐसा standalone program है जो अपनी खुद की copies बनाता रहता है, replication करता है, fine. और उसकी copies क्या होती है? अगर आपका system network से connected है, तो वो network के through दूसरे systems को भी जाके corrupt कर सकता है, okay? Now, which of the following malware type allow the attacker to access the administrative controls and enables his or her to do almost anything he wants to do with the infected computer? तो यहाँ पे ऐसा कौन सा malware है जो अगर किसी system पे attack करता है तो उस system का पूरा administration control में ले लेता है और वो जो चाहे उस system पर कर सकता है, infected computer पर वो जो चाहे वो कर सकता है। तो यहाँ पे आपका correct option है Reds. राइट, रेड स्टैंड फॉर रिमोट एक्सेस ट्रोजन, और आप कह सकते हो रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल, राइट। ये क्या करता है? इट गिव्स टोटल कंट्रोल ऑफ अ डिवाइस। इस ये जो मालवेयर है वो डिवाइस का टोटल कंट्रोल हैकर के पास पहुंचा देता है, ओके? तो हैकर जो इन्फेक्टेड डिवाइस है उस पर कोई भी एक्टिविटी कर सकता है, राइट। इट कैन एक्सेस एनी डेटा फ्रॉम डैट डिवाइस और इट कैन डू एनी थिंग ऑन डैट डिवाइस, ओके, रिमोटली। रिमोटली मीन्स अपने सिस्टम पे बैठ के, और जो सिस्टम अटैक किया गया है मालवेयर के थ्रू, ओके, वो चाहे किसी भी दूसरे प्लेस पर हो, जो हैकर है वो अपने प्लेस पे बैठ के उस सिस्टम को कंप्लीटली कंट्रोल करके उसका डेटा यूज़ कर सकता है, फाइन। Now, which type of the following malware does not replicate or clone themselves through infection? इनमें से ऐसा कौन सा malware है जो अपनी replications, अपनी copies नहीं बनाता है, okay? और means अपना clone नहीं बनाता है, तो आपका example है trojans. ठीक है, ट्रोजन एक तरीके का मालवेयर होता है जो वही काम किया, वही वर्क करता है जिसके लिए उसमें कोडिंग की गई है, ठीक है, जिसके लिए उसको उसके अंदर प्रोग्रामिंग की गई है, राइट। ये अपनी कॉपीज नहीं बनाते हैं, ओके। नाउ, हैकर्स यूजली यूज द कंप्यूटर वायरस फॉर डैश पर्पज़। तो आपको बताना है हैकर्स कंप्यूटर वायरस को किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है टू लॉग मॉनिटर ईच एंड एवरी यूजर स्ट्रोक, यूज़र के हर कदम को मॉनिटर करने के लिए, वॉच करने के लिए, टू गेन एक्सेस द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक यूज़र्स आईडी एंड पासवर्ड, यूज़र की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए लाइक यूज़र आईडी या पासवर्ड्स को एक्सेस करने के लिए, टू करप्ट द यूज़र्स डेटा, यूज़र के डेटा को करप्ट करने के लिए, स्टोर इन द कंप्यूटर सिस्टम, जो कि कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर है। तो यहाँ पर कंप्यूटर वायरस इन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, ओके। नाउ वी हैव कोड रेड इज़ अ टाइप ऑफ, कोड रेड क्या है, राइट। तो कोड रेड हमारा क्या है? कंप्यूटर वायरस है, ओके। कोड रेड इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस डैट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑन 15 जुलाई 2001, ठीक है। ये कब, सबसे पहले कब डिस्कवर हुआ था? 15 जुलाई 2001 में डिस्कवर हुआ था, और इसने क्या किया था? माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स को अटैक किया था, फाइन। बहुत सारे सर्वर्स को इसने अटैक किया था, ओके। इट कैन बी अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और हार्डवेयर डिवाइस डेट फिल्टर्स ऑल द डेटा पैकेट्स कमिंग टू द इंटरनेट अ नेटवर्क एसेट्रा इट इज़ नॉन एज। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी हो सकता है या हार्डवेयर डिवाइस भी हो सकता है, जो क्या करता है? सारे डेटा पैकेट्स को फिल्टर करता है जो इंटरनेट से आ रहे हैं या किसी और नेटवर्क से आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इंटरनल नेटवर्क होता है इसको कौन प्रोटेक्ट करता है? इसको फायरवॉल प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम आउटसाइड नेटवर्क। तो आउटसाइड नेटवर्क आपका इंटरनेट भी हो सकता है और कोई दूसरा नेटवर्क भी हो सकता है, फाइन। तो यहां पे आपका एग्जाम जो ऑप्शन है वो है फायरवॉल। नाउ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम? तो यहां पे हमारा क्विक हिल भी एंटीवायरस है, मैकफी भी एंटीवायरस है, आपका कैस्पर्स की भी एंटीवायरस है, तो ऑल ऑफ द अबव, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजली ऑब्जर्व ईच एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट ऑफ द विक्टिम
गैदर ऑल इन्फॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड एंड सेंड इट टू समवन एल्स। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपको बताना है जो यूज़र की एक एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता है, ये बैकग्राउंड में चलता रहता है और यूज़र की सारी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करता है, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और इसको नेटवर्क के थ्रू किसी और के पास सेंड कर देता है, राइट। तो ये क्या होता है आपका स्पाईवेयर, ठीक है। स्पाईवेयर एज अ स्पाई काम करता है, एज अ जासूस काम करता है। ये आपकी हर एक्टिविटी को नोट करता है, आपके हर आपने वॉट एवर यू आर डूइंग ऑन योर सिस्टम, ये सब कुछ गैदर करके, सारा डेटा गैदर करके जिसके थ्रू ये स्पाईवेयर आपके सिस्टम पे डाला गया है उस पर्टिकुलर पर्सन के पास ये डेटा पहुँचाता रहता है। ओके, नाउ व्हाट डज साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट, साइबर सिक्योरिटी क्या प्रोटेक्ट करती है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट है, साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम्स, राइट। इंटरनेट से जो सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं, ओके, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, ओके। तो इसको क्या कहा जाता है, साइबर सिक्योरिटी, राइट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज एन अटेम्प्ट टू स्टील, स्पाई, डैमेज और डिस्ट्रॉय कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क्स और देयर एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन। तो कौन से इस प्रोसेस को, कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर आपका डेटा स्टील किया जा रहा है, आपका डेटा स्पाई किया जा रहा है, आपके सिस्टम को डैमेज किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, नेटवर्क्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और उसकी नेटवर्क्स की जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टील किया जा रहा है, इस सारे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है साइबर अटैक। ओके, गवर्नमेंट्स हायर्ड सम हाईली स्किल्ड हैकर्स फॉर प्रोवाइडिंग साइबर सिक्योरिटी फॉर द कंट्री और द स्टेट। गवर्नमेंट भी क्या करती है, कुछ हाईली स्किल्ड हैकर्स को अपॉइंट करती है, ओके, कंट्री की जो वेबसाइट्स हैं, कंट्री का जो नेटवर्क है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। दीज टाइप्स ऑफ हैकर्स आर टर्म्ड एज़, ओके, तो इन हैकर्स को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है नेशन और स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स, ओके, जहाँ पे कंट्री या एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए इन हैकर्स को स्पॉन्सर किया जाता है, इनको पैसे देकर इनसे काम किया जाता है, राइट। They are nefarious hackers and their main motive is to gain financial profit by doing cyber crimes. ये बहुत ही immoral hackers होते हैं और इनका main motive होता है financial profit लेना cyber crime करके, ठीक है। Who are they referred to here? तो यहाँ पे इनका किस टर्म से इनको बुलाया जाता है, तो ये हैं ब्लैक हैट हैकर्स, राइट। ब्लैक हैट हैकर्स क्या होते हैं, ये दूसरे यूज़र्स, जो भी यूज़र्स हैं या नेटवर्क हैं उनको हार्म करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द मोनिट्री गेंस, राइट। नो, व्हाट इज़ द एक्जिस्टेंस ऑफ वीकनेस इन अ सिस्टम और नेटवर्क इज़ नोन एज, किसी भी सिस्टम या नेटवर्क में जो वीकनेस होती है, राइट, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है वल्नरेबिलिटी, ठीक है। ये टर्म यूज़ किया जाता है टू शो द वीकनेस इन अ सिस्टम, ओके, और इन अ नेटवर्क। Which of the following is an internet scam done by cyber criminals? इनमें से कौन सा internet scam है जिसे cyber criminals करते हैं, where the user is convinced digitally to provide confidential information, जहाँ पे user को convince किया जाता है कि वो खुद से अपनी confidential information देते हैं। तो ये होता है phishing के through। Phishing में क्या होता है, आपके पास emails आएंगे जो आपको legitimate लगेंगे, बिल्कुल genuine लगेंगे और वो आपसे आपकी information मांगेंगे। अगर कोई इसमें फंस जाता है और information दे देता है तो वहाँ पर क्या होता है, उसका सिस्टम हैक हो जाता है। ओके, ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।